Success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. रोज करने का, हर रोज करने का. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है. आज है 18th ऑफ नवंबर 2022. डॉलर रुपी कल थोड़ा सा अपवर्ड बायस था, जहां पे 81.83 एज पर दिस चार्ट हाई दिखा रहा है. अभी ये 81.51. देखने वाला बात यही है कि जब डॉलर रुपी यहां पे था 80.4550 के आसपास था, तब हम एक एंटिसिपेशंस करने का कोशिश कर रहे थे कि क्या ये रुपी 81.40.50 से रेजिस्टेंस लेगा या 81.80.90 से रेजिस्टेंस लेगा. ये हमें देखने वाला था. और अभी ये दिख रहा है कि ये 81.8090 वाला रेजिस्टेंस को जस्ट टच करके आया है. दैट बीइंग द केस, अभी ये एक रेजिस्टेंस जोन लग रहा है. और आज ड्यूरिंग द डे अगर 80.85 में कुछ बेचने का अगर मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो वन में ट्राई टू सेल विथ स्टॉप लॉस अबोव 81.97.98. तो टारगेट कहाँ पे होगा? अगेन टारगेट आएगा 80.50 के आसपास. यहाँ पे कल का जो कैंडल बना हुआ है, ये देखोगे कि ऑल्दो इट इज ए बुलिश कैंडल, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द हायर रेंज. अब इस कैंडल को प्रीवियस कैंडल के साथ अगर मैच करने का कोशिश करोगे, कंपेयर करने का कोशिश करोगे, तो आप क्या देखोगे, प्रीवियस कैंडल में प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द टॉप इतना ज्यादा था नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा रिजेक्शन है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे 80 एरिया पे काफी सेलिंग दिखा गया है या सेलिंग इंटरेस्ट दिखा गया है. आइए देखते हैं डॉलर इंडेक्स को. डॉलर इंडेक्स कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली मेन, दैट मीन्स द आपका जो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है, दैट इज एक स्मॉल, लेकिन प्राइस रिजेक्शन हायर एंड में. कल ये देखो कि 15th नवंबर का जो हाई है उसके ऊपर जस्ट छूके आया है, यानी वहां पे बाय ट्रिगर हुआ लेकिन प्राइस सपोर्ट नहीं किया. व्हाट इट मींस, हमें जैसे कि इंतजार था कि सेकंड, पहला ग्रीन कैंडल में बुल कैंडल पे बाय नहीं करना, उसके बाद जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं. दैट बीइंग द केस, आज या आने वाले दिनों में अगर कल का यानी 17th नवंबर का हाई के ऊपर प्राइस आवर्ली बेसिस पे सस्टेन करता है, देन एंड ओनली देन हमें एक अपवर्ड मूवमेंट, एक रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं. जीबीपी डॉलर अभी है 1.1893. कल एक स्पिनिंग टॉप टाइप का फॉर्मेशन हुआ है. व्हाट इट मींस, इसका जो लोकेशन है ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ट्रेजेक्टरी, तो वहां पे एक पॉज आ रहा है. इसका मतलब क्या है, अभी थोड़ा सा प्राइस डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है. बट देखने वाला चीज ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. कल का भी कैंडल एंड परसों का भी जो कैंडल है, दैट इज इनसाइड बार टू 15th नवंबर कैंडल, इसका मतलब क्या है, प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 15th नवंबर के कैंडल. दैट बीइंग द केस, जैसे ही 15th नवंबर के हाई के ऊपर आने वाले दिनों में, वो चाहे आज हो, मंडे, नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे, जब भी हो, इस 15th नवंबर के हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा, इन सच ए सिनेरियो ये अपवर्ड फिर जर्नी चालू करेगा. बट करेंटली हम एक डीप के लिए इंतजार कर रहे हैं. डीप के बाद अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज लोअर टाइम फ्रेम में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया एक सेटअप हो सकता है. जीबीपी आईएनआर में आप कल का जो कैंडल है वो भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है. ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा इंडिसिशन है, हायर लेवल पे भी रिजेक्शन है एंड लोअर लेवल पे भी रिजेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस मूवमेंट एज ऑन यस्टरडे.
यहाँ पे अगर प्राइस के हिसाब से हायर आए हायर लो देखोगे, जैसे एक छोटा लो बनाएगा, डीप बनाएगा, वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। यूरो डॉलर पे आप देखोगे वही कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड स्पेशलिटी वही है 17 नवंबर 18 नवंबर जो कैंडल्स बन रहा है वो 15 नवंबर के मदर कैंडल के अंदर में इनसाइड वर कैंडल्स बना रहा है। दैट बीइंग द केस प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस यहाँ पे जितना टाइम पास करेगा उसके बाद जैसे हाई के ऊपर क्लोज देगा तो एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम लोअर टाइम फ्रेम में एनी डिप में बी बॉट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली आप देखो कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन आया है, लोअर टाइम फ्रेम में जैसे एक पुल बैक मिलेगा पुल बैक में हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। डॉलर येन में 140.14 है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। दैट बीइंग द केस क्या ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ तोड़ देगा या यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम में 142.5060 या 145.2030 एरिया पे आके रेजिस्टेंस लेगा, ये ओनली टाइम कैन से। डॉलर कैंडी अभी है 1.3310, यहाँ पे एज पर द प्राइस फॉर्मेशन एक डाउनवर्ड मोमेंटम ड्यू है, दैट इज टुवर्ड्स 1.31 से 1.3125 के तरफ एक डाउनवर्ड मोमेंटम ड्यू है। कल का जो प्राइस है एक स्मॉल बॉडी कैंडल डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद ही हम एक नीचे के तरफ अगर आएगा तो एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के तरफ हमें फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ेगा। $80 में 0.67 कल एक सेल ऑफ दिखा गया है, यहाँ पे एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रिट्रेसमेंट के बाद हमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है पॉसिबली आप देखोगे ये लेवल के आसपास आपका ये हो गया 0.6525 से 0.6550, अगर यानी अभी भी वो 150 पिप नीचे है, तो अगर कुछ सी कारणवश इस एरिया पे आता है, नहीं तो ये जो बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड है वहां पे आता है, इन सच ए सिनेरियो हमें एक बढ़िया से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, सॉरी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं डीप में। सीएनएच अभी है 7.13, ये हमारा एंटिसिपेशन क्या कि प्राइस इस टाइप का अगर बिहेव करता है ये उसी हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हमें देखना है कि कहाँ पे ये प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्राइस कहाँ से रिजेक्शन हो रहा है वहां पे हमें कुछ एक सेलिंग इंडिकेशन मिलता है तो हम बहुत ही बढ़िया एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे एक प्रोबेबल जो एरिया है दिस वो 7.181850, ये आपका एक बहुत ही बढ़िया सा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। यूके ऑयल 90.21 काफी मींस पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है, जैसे कि हमारा एनालिसिस है इधर ऊपर में 99.25 और नीचे में 88.90, इसके नीचे जब तक मींस ये रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलता है तब तक दोनों साइड में कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी यूएस 10-year ट्रेजरी 3.78, दैट बीइंग द केस अभी ये कल एक अच्छा खासा मींस बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, बट यहाँ पे आप देखो जो प्राइस है आपका यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर एक टॉप बना के फिर नीचे आया, कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ये बंदा यहाँ पे बना रहा है। दैट बीइंग द केस क्या होता है अभी जो हमारा स्विंग हाई है ये एक स्विंग हाई बन गया है यहाँ पे, तो आने वाले दिनों में प्राइस इसके ऊपर बंद नहीं होना चाहिए, ये प्राइस इसके ऊपर ये स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है उसमें एक डेंट आ जाएगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।